हम भी उसी फेज से निकले जिस फेज में अभी आप लोग हो, हमने भी ड्रॉप लिया था। तो वो फेज ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि यार अब कोई साथ नहीं दे रहा हमारा, ऐसा मतलब उस टाइम पे लगता ही है ना कि अरे यार ये लोग मतलब मुझे नाकारा समझते हैं, ये तो क्या समाज ने बना दिया, 12वीं क्लास में सिलेक्शन हो गया तो तुम बहुत अच्छे हो गए, एक साल ड्रॉप लेके सिलेक्ट हुए तो तुम बेकार हो गए, और बहुत गलत गलत धारणाएं बना रखी हैं लोगों ने। लोगों में पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों में, उनको यही नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं जिंदगी से, मतलब लिटरली नहीं पता। दोस्त तैयारी कर रहा है तो हम भी तैयारी करेंगे, दोस्त डॉक्टर बन रहा है हम भी डॉक्टर बनेंगे, दोस्त इंजीनियर बन रहा है हम भी इंजीनियर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपका एक गोल सेट रहना चाहिए कि मुझे आज से कुछ सालों बाद क्या करना है, या मैं कैसा जीवन चाहता हूं। तो वो जो चाहने वाला जीवन है ना, उसके लिए लगती है अपार मेहनत, पार के भी आगे आ लगा है ना, उसमें लगती है अपार मेहनत। आप कोई भी काम करो उसमें मेहनत लगेगी ही लगेगी। कई बार क्या होता है बच्चों को लगता है, जैसे हम भी उसी फेज से निकले जिस फेज में अभी आप लोग हो, हमने भी ड्रॉप लिया था, तो वो फेज ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि यार अब कोई साथ नहीं दे रहा हमारा, ऐसा मतलब उस टाइम पे लगता ही है ना कि अरे यार ये लोग मतलब मुझे नाकारा समझते हैं, ये तो क्या समाज ने बना दिया, 12वीं क्लास में सिलेक्शन हो गया तो तुम बहुत अच्छे हो गए, एक साल ड्रॉप लेके सिलेक्ट हुए तो तुम बेकार हो गए, और बहुत गलत गलत धारणाएं बना रखी लोगों ने कि 12वीं क्लास वाला जब कॉलेज में जाता है तो उसको सीधे के सीधे जो है ब्रह्मा जी बुलाते हैं, और ड्रॉप करने वाला जब कॉलेज में जाता है तो उसको जो है ब्रह्मा जी नहीं बुलाते। ऐसा पता नहीं बना रखा लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, कॉलेज में जाने के बाद सब बराबर, 12वीं हो चाहे कुछ भी हो। हाँ कुछ कंपनीज में फ्रेशर को प्रेफरेंस मिलती है, तो क्या उन्हीं कंपनी के लिए तुम बने थे है? तुम्हारा बचपन से सपना था कि नहीं हमें उन्हीं कंपनी में जाना था? ऐसा थोड़ी होता है, ये तो लोगों ने बना रखा है। डॉक्टर नहीं बनेगा तो इसका जीवन व्यर्थ है। अरे जब ऊपर वाले ने पैदा किया है तो वो रास्ता भी दिखाएगा आपको कुछ करने का, आप भरोसा रखो। है ना, ठीक है। और मैं तो कई बार बोल चुका हूं बच्चों को रिश्तेदारों से दूर रहें। रिश्तेदार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बहुत खतरनाक होते हैं रिश्तेदार, ठीक है। चलो बस इतना काफी था आज के लिए। अब आप अपनी पढ़ाई करो चुपचाप से, ठीक है, आराम से बैठो, सोचो विचार करो, डेली एनालिसिस किया करो, आप अपना डीएनए किया करो, डेली डेली एनालिसिस किया करो कि हम कहां खड़े हैं, कहां थे और हम कहां जा रहे हैं, खुद का, दूसरों के साथ नहीं। दोस्त के इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नहीं आ रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। आपको हमेशा हर दिन अपने पुराने वाले दिन से बेहतर होना है, बस इतना ध्यान रखो जीवन में सफल हो जाओगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।